हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो बॉयलर और सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काइंडली वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, ठीक है? और अगर आपका कोई सवाल है तो मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप? सेंट्रीफ्यूगल पंप में कितने टाइप के हेड होते हैं? और जो इसका राइट आंसर है वो है चार, ठीक है? चार हेड होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। नंबर एक पे है सक्शन हेड, नंबर दो पे है डिलीवरी हेड, नंबर तीन पे है स्टैटिक हेड और नंबर चार पे है मैनोमीटर हेड, ठीक है? अगर कोई भी आपसे सवाल करता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कितने टाइप के हेड होते हैं तो ये चार टाइप के होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ कैसिंग यूज इन सेंट्रीफ्यूगल पंप? तीन टाइप की कैसिंग जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, और वो कौन सी होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीन होती हैं, एक तो वॉल्यूट, वर्टेक्स और डिफ्यूज, ठीक है? ये तीनों टाइप की कैसिंग्स हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में, और ज़्यादातर मोस्टली हम वॉल्यूट टाइप की कैसिंग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, पैरेलल सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ यूज फॉर, ये आप पैरेलल सेंट्रीफ्यूगल पंप देख रहे हैं, ठीक है, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए हाई फ्लो रेट, ऑप्शन बी है हाई प्रेशर, और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हाई फ्लो रेट, ठीक है? पैरेलल सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ यूज फॉर हाई फ्लो रेट। क्वेश्चन नंबर फोर है, फुटवॉल एंड स्टेनर इज़ यूज इन डैश लाइन। फुटवॉल और स्टेनर कौन सी लाइन में हम यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है बाईपास लाइन में, ऑप्शन बी है डिस्चार्ज लाइन में, ऑप्शन सी है सक्शन लाइन में, और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सक्शन लाइन में, ठीक है? स्टेनर और फुटवॉल ऑलवेज यूज इन सक्शन लाइन। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्पेलर? काइंडली ये तो बहुत इजी सवाल है और इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है? देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच डिवाइस इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम? स्टीम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं? और जो इसका राइट आंसर है वो है सुपर हीटर, ठीक है? सुपर हीटर हम स्टीम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लॉस इन बॉयलर? बॉयलर में सबसे बड़ा लॉस किस चीज़ को माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हीट लॉस इन फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस में जो हीट लॉस होता है उसको बहुत बड़ा लॉस माना जाता है बॉयलर में। अगला सवाल है, व्हाई वी इंसुलेट द स्टीम पाइप्स? हम स्टीम के पाइपों को इंसुलेशन क्यों देते हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो अक्सर पूछा जाता है, ठीक है? स्टीम पाइपों को हम इंसुलेट क्यों करते हैं? तो इसका राइट आंसर है वो है रिड्यूस हीट लॉस, ठीक है? हीट लॉस को ख़त्म करने के लिए, ठीक है? अगर हम खुलेआम इसको छोड़ देंगे तो ये जल्दी कंडेंस हो जाएगा जो हमारा स्टीम होगा, ठीक है? स्टीम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम उसके ऊपर इंसुलेशन लगाते हैं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है रिड्यूस हीट लॉस। अगला सवाल है, विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक बॉयलर ट्यूब्स? बॉयलर ट्यूब्स बनाने के लिए हम कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी है कास्ट स्टील, ऑप्शन सी है SS304, और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कास्ट स्टील। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TH इन बॉयलर? बॉयलर में TH क्या होता है, ठीक है? उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है टोटल हार्डनेस, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में मेरे से ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।